इल्म का मतलब डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है। बगैर सोचे समझे अमल और बगैर अमल किए सोचना 100% नाकामी देता है। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को शिकस्त दे सको, इसलिए कि कोई तुम्हें शिकस्त ना दे सके। कामयाबी तजुर्बात से मिलती है और तजुर्बात नाकाम तजुर्बात से मिलते हैं। गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर इसकी सिमत सीधे रास्ते की तरफ कर दी जाए। ज़िंदगी बगैर मकसद के बेकार है। अगर तुम हारने से नहीं डरते तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हर एक से सीखो, लेकिन किसी एक के भी पीछे ना चलो। सब कुछ जिसकी तमन्ना तुम कर सकते हो तुम्हारे अंदर है, बस अपने अंदर झांको, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बुरी और बड़ी बीमारी ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो कुछ नहीं बदल सकते। अगर आप इस शख्स की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो एक नज़र आईने की तरफ देख लेना। हो सकता है तुम ज़िंदगी में कई मर्तबा नाकाम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। तुम उस वक्त हारते हो जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम खुद हो। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसे उन लोगों में बांट दो जिनको उसकी तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। कामयाबी आपको हमेशा ज़ाती तौर पर गले मिलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने आपको तमांचा मारती है। यही ज़िंदगी है। ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी सोच पर काबू पाओ, वरना तुम्हारी सोच तुम पर काबू पा लेगी। हमेशा याद रखें कि आप अपनी मुश्किलात से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं।